हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टू। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्नल एंड इंटरलॉकिंग को डिस्कस करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्नलिंग इज द डिवाइस बाय विच द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल विद सेफ्टी। जो सिग्नलिंग जो है वो डिवाइस होता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी के साथ। ट्रेन कैन बी ऑपरेटेड एफिशिएंटली, यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक एंड ट्रैक्स कैन बी डन एट मैक्सिमम लेवल। तो एक्चुअली किसी रेलवे ट्रैक पर होता है कि जैसे ट्रेन को मूव कराना है तो हमें उसको एफिशिएंटली कराना है, उसको मैक्सिमम यूज कराना है। मैक्सिमम यूज तभी करा पाएंगे जब हम लोग एक ट्रैक पर कुछ कुछ डिस्टेंस पर हम लोग ट्रेन को छोड़ें। तो उसके लिए हम लोग को सिग्नल की जरूरत पड़ती है ताकि किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट ना हो। सिग्नलिंग इंक्लूड्स सिग्नल पॉइंट्स, ब्लॉक्स एंड अदर इक्विपमेंट। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो सिग्नलिंग के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नलिंग, इसका पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सिग्नलिंग का। मेंटेन सेफ डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए सिंगल लाइन। अगर एक सिंगल लाइन पर सेम डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखना ताकि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह का मतलब कॉलिजन ना हो। सेफ डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन विच आर अप्रोचिंग और क्रॉसिंग ए लेवल क्रॉसिंग। तो जब कोई रेलवे ट्रैक में क्रॉसिंग होता है तो उसमें अगर दोनों जो दो ट्रैक से ट्रेनें आ रही हैं तो उसमें किस तरह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसके लिए हमें सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना पड़ता है। ये भी हम लोग सिग्नलिंग के थ्रू ही करते हैं। टू रन द ट्रेन एट ए रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ड्यूरिंग रिपेयर वर्क। तो अगर कुछ रिपेयर हो रहा है तो उसमें भी हम लोग को जो स्पीड है वो रिस्ट्रिक्शन रखना है, उसके लिए भी हम लोग सिग्नलिंग का इस्तेमाल करते हैं। एट जंक्शन टू प्रिवेंट द ट्रेन फ्रॉम कोलाइडिंग। किसी तरह कोई जंक्शन है जहाँ पे दो ट्रेनें मीट कर रही है, दो ट्रैक मीट कर रहे हैं, उसमें भी कोलिजन को हमको अवॉइड करना है। एट डाइवर्जिंग द ट्रैक टू गिव इंडिकेशन अबाउट द डायरेक्शन टू मूव। जब हम लोग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट होते हैं तो हमको किस ट्रैक में जाना है इसका इन्फॉर्मेशन भी हम लोग सिग्नल से ही मिलता है। इन मार्शलिंग यार्ड टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शंटिंग। मतलब कि जब हम लोग मार्शलिंग यार्ड में जो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में हम लोग ट्रेन को शंटिंग करते हैं उसमें भी पूरे प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन हो, उसके लिए भी सिग्नलिंग की जरूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द मैक्सिमम यूज ऑफ ट्रैक एंड रोलिंग स्टॉक। तो हम लोग ट्रेन का और ट्रैक का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, इसका बेनिफिट भी हम लोग को सिग्नलिंग से ही मिलता है और फर्दर हम लोग सेफ्टी भी इंक्रीज कर पाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या सिग्नलिंग को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासीफिकेशन हम लोग जो करते हैं वो डिपेंडिंग अपन ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किस तरह से हम उसको ऑपरेट करना है। तो फर्स्ट हम लोग का फॉग और ऑडिबल और डिटोनेटिंग सिग्नल। मतलब कि जब फॉग हो तो हम लोग ऑडिबल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिटोनेट होके वो सिग्नल देता है। कैसे करता है हम लोग आगे देख के डिस्कस करेंगे। विजुअल इंडिकेशन मतलब थ्रू हैंड सिग्नल्स, मतलब हैंड से मतलब वो फ्लैग अप दिखाकर या फिर लैंप दिखाकर हम लोग जो सिग्नल देते हैं उसको बोलते हैं विजुअल इंडिकेशन थ्रू हैंड सिग्नल। नेक्स्ट है विजुअल इंडिकेशन थ्रू फिक्स सिग्नल, मतलब कि ट्रैक के अलॉन्ग जो सिग्नल फिक्स्ड होते हैं वो हो जाएगा, इस कैटेगरी में आएगी। अगर डिस्कस करें कि फंक्शनल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग अगर क्लासीफाई करें तो ये हमारा हो जाता है स्टॉप या सेमाफोर सिग्नल, वार्नर सिग्नल, शंटिंग सिग्नल और कलर लाइट सिग्नल। ये सबको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कि हम लोग जो है सिग्नल को किस लोकेशन पे हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि आउटर रिसेप्शन सिग्नल, होम रिसेप्शन सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल। नेक्स्ट है स्पेशल सिग्नल जिसको हम प्रोवाइड करते हैं रूटिंग के लिए, कॉलिंग ऑन सिग्नल, पॉइंट इंडिकेटर, रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल और मिसलेनियस सिग्नल्स। ठीक है, ये सारे को एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एज पर ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक डेटोनेटिंग सिग्नल्स, मतलब कि वैसे सिग्नल जो डेटोनेट होते हैं, इट यूज्ड व्हेन हैंड और फिक्स सिग्नल और नॉट विजिबल ड्यू टू फॉगी और क्लाउडी कंडीशन। तो क्लाउडी कंडीशन है, फॉगी कंडीशन है, तो हम लोग इसको विजिबल नहीं हो पा रहा है कोई भी सिग्नल, तो इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटोनेटिंग सिग्नल का। एंड ऑल्सो यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो किस तरह का इमरजेंसी है, कोई ट्रैक आपका डैमेज हो चुका है, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो उससे उस ट्रैक पर आने वाली जो भी ट्रेन है उसको रोकने के लिए, उसको आपको वार्न करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। दीज आर इन फॉर्म ऑफ डिटोनेटर्स, ठीक है, फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ रेल। तो एक तरह का डिटोनेटर होता है, एक एक्सप्लोसिव होता है जो कि हम लोग रेल के ऊपर हम लोग फिक्स करते हैं, जो कि कम बहुत कम अमाउंट का होता है जिसकी वजह से कोई हार्म ना हो, बस इससे बस एक साउंड क्रिएट होना चाहिए।
व्हेन इंजन पासिस ओवर इट इट एक्सप्लोड विथ बिग साउंड एंड अलर्ट द ड्राइवर टू स्टॉप द ट्रेन। 3 to 4 डेटोनेटर्स आर प्लेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ अबाउट 10 to 15 मीटर एट 400 to 500 मीटर अहेड। तो किसी रेलवे ट्रैक पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डैमेज है, कुछ एक्सीडेंट है, उससे 400 से 500 मीटर दूर पर हम लोग इस तरह का सिग्नल लगाते हैं, वो भी कुछ 10 से 15 डिस्टेंस मीटर के डिस्टेंस के पर 3 से 4 सिग्नल लगाते हैं। इससे होता है जैसे जो होता है ऐसा है कि जैसे रेल इसमें पास करता है तो एक तरह से ये एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होने से साउंड क्रिएट होता है जिसके कारण जो ड्राइवर है वो अवेयर हो जाता है और वो स्पीड कम कर देता है आगे फर्दर क्या सिचुएशन आने वाला है उसको देख के। ठीक है, तो इसको इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटोनेटिंग सिग्नल का। नेक्स्ट है हैंड सिग्नल गिवन बाय गार्ड यूजिंग कलर्ड फ्लैग और बेयर आर्म। तो हम लोग नॉर्मली कलर फ्लैग्स के इस्तेमाल करते हैं ये हैंड सिग्नल, या फिर जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास लैम्प भी होते हैं, लैम्प से भी वो सिग्नल देता है। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम केरोसिन लैम्प इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसमें कि हमारे पास मूवेबल ग्रीन रेड येलो कलर्ड के ग्लासेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो चाहें उस तरह का सिग्नल दे सकते हैं। अगर ग्रीन अगर ग्लास का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोसीड, रेड का मतलब होता है डेड स्टॉप, मतलब आपको वहीं पर रुक जाना है, येलो का मतलब होता है कि आपको प्रोसीड करना है विथ कॉशन, मतलब स्लो स्पीड से मूव करना है। उसके अलावा फिक्स्ड सिग्नल है दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच आर फिक्स्ड अलोंग द रेलवे लाइन लाइक सेमाफोर सिग्नल और वार्नर सिग्नल। ठीक है, तो ये सब सिग्नल आपको फिक्स होते हैं रेलवे ट्रैक के अलॉन्ग, वो कैसे होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एज पर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसका उस सिग्नल का फंक्शन क्या है उसके हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का है सेमाफोर सिग्नल। सेमाफोर सिग्नल में मतलब होता है कि एक वर्टिकल पोस्ट होता है जिसमें एक मूवेबल आर्म प्रोवाइड किया जाता है एट टॉप। इस तरह का जो आर्म है ये मूवेबल होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं। तो आर्म जो है वो हम लोग या तो हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं या फिर 45 डिग्री के एंगल पर रख सकते हैं। आउटर एंड ऑफ आर्म इज 2.45 सेंटीमीटर ब्रॉडर देन दैट एट द पोस्ट, मीन्स यहाँ पे जो आपका विथ है वो उससे ज़्यादा होगा आपका लास्ट में विथ। मूवेबल आर्म इज कंट्रोल बाई मीन्स ऑफ लीवर्स केबल्स फ्रॉम द केबिन। तो यहाँ पे जो मूवेबल आर्म है वो आपका इस लीवर केबल के थ्रू और लीवर के थ्रू आगे फर्दर के जो रेलवे के केबिन्स होते हैं उसके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके हम लोग चेंज करते हैं सिग्नल्स को। स्पेक्टिकल्स ऑफ रेड एंड ग्रीन आर फिक्स्ड इन द आर्म। तो यहाँ पे जो स्पेक्टिकल्स मतलब ग्लासेस जो होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर के होते हैं जो कि हमारे आर्म में फिक्स होते हैं। दीज आर फिक्स्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रैक विद स्पेक्टिकल्स टुवर्ड्स ड्राइवर। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सिचुएशन ऐसा है कि इसमें जो स्पेक्टिकल्स होने चाहिए ये ड्राइवर्स की तरफ होना चाहिए, मतलब कि जैसे ड्राइवर पहुंच रहा है तो उसको कलर लाइट दिखनी चाहिए। दीज आर फिक्स्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रैक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आर्म इंडिकेट्स डेंजरस स्टॉप एंड इंक्लाइन आर्म इंडिकेट्स क्लियर प्रोसीड, मीन्स जब आपका कोई हॉरिजॉन्टल आर्म है इसका मतलब आपको यहाँ पे स्टॉप होना है, अगर आपके यहाँ पे ग्रीन आपका इंक्लाइन है इसका मतलब आपको प्रोसीड करना है, मतलब वो ग्रीन सिग्नल है। इन द डे टाइम ऑफ द आर्म इंडिकेट्स द सिग्नल। तो डे टाइम में आपके आर्म्स के पोजिशन से आप जान सकते हैं कि आपको मूव करना है या नहीं मूव करना है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो होता है कि आपका लाइट ऑफ लैम्प पासिंग थ्रू द स्पेक्टिकल्स गिव द सिग्नल्स, मतलब कि यहाँ पे आपका एक लैम्प फिक्स होता है, लैम्प से यहाँ पे लाइट आती रहती है और जैसे आपका ग्लास उस जो ग्लास उस लैम्प के सामने आएगा वो उस तरह का कलर इमिट करता है, लाइट इमिट करता है। रेड ग्लास रहेगा तो यहाँ पे रेड कलर इमिट करेगा और जैसे वहाँ पे ग्रीन ग्लास पहुँच जाएगा तो वहाँ पे ग्रीन कलर इमिट करेगा तो वो आपको सिग्नल चेंज करेगा। तो इसमें सिर्फ दो फेज सिग्नल होते हैं, मतलब कि या तो लाइट होगा या तो ग्रीन, या तो आपको रुकना है या तो आपको मूव करना है। तो यहाँ पे वार्निंग का कोई प्रोसीजर नहीं होता है, तो हम लोग वार्निंग के लिए हम लोग वार्नर सिग्नल देते हैं। दिस इज सिमिलर टू सेमाफोर सिग्नल एक्सेप्ट फिश टेल आर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिश टेल्ड आर्म जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें सेमाफोर सिग्नल के अलावा। दिस सिग्नल्स आर प्लेस्ड अहेड द सेमाफोर सिग्नल टू वार्न द ड्राइवर बिफोर एंटरिंग द रेलवे स्टेशन। तो हमारे पास जो सेमाफोर सिग्नल है उसमें हमारा जो पर्पस होता है कि वो हमें रुकना है या आगे मूव करना है, वी हैव टू प्रोसीड और वी हैव टू स्टॉप। देन तो हमें जरूरत पड़ती है कि एक ऐसा सिग्नल हो जो कि पहले से बता सके कि आपको वार्निंग दे सके कि आपको आगे जाकर कोई भी रेड सिग्नल आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द आर्म इज हॉरिजॉन्टल इंडिकेट सिग्नल अहेड इज स्टॉप, वार्नर सिग्नल्स आर प्लेस्ड 540 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। जहाँ पे आपको स्टॉप होना है उससे हम लोग को 540 मीटर पहले ही एक तरह का ये वार्नर
सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। समटाइम्स बोथ वार्नर एंड सेमाफोर सिग्नल आर प्लेस्ड ऑन द सेम पोल, ठीक है, तो इस तरह का मतलब दोनों साथ में ही देते हैं। तो अगर दोनों हॉरिजॉन्टल है मतलब कि वहाँ पे आपको स्टॉप हो ही जाना है। अगर आपका एक रेड हो दूसरा ग्रीन हो, तो हम लोग ग्रीन रेड को मानेंगे कि यहाँ पे कॉशन का साइन है ये, और ग्रीन का है आपको मूव करना है पर कॉशन के साथ मूव करना है। अगर दोनों ग्रीन है तो मतलब कि आप फुल स्पीड में मूव कर सकते हैं। तो आपका जो ये सिग्नल है आपका ग्रीन या रेड, ये जो सारे जो सिग्नल है उसको आप कंबाइंड में एक लाइट और एक वार्नर सिग्नल के रूप में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है वार्नर सिग्नल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेंटिंग सिग्नल, ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क और ग्राउंड सिग्नल और मिनिएचर सेमाफोर सिग्नल। तो सेमाफोर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आपका एक आर्म होता था, तो इसमें हम लोग आर्म नहीं होता है, क्या होता है यूज्ड इसमें एक कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क पेंटेड वाइट विथ ए रेड बैंड अलॉन्ग इट्स डायमीटर। तो इसमें हमारा रेड बैंड होता है जो कि सर्कुलर वाइट डिस्क पर पेंटेड होता है। इसका पर्पस होता है सन्टिंग ऑपरेशन के लिए, मतलब कि आपका एक ट्रैक है उस ट्रैक से दूसरे ट्रैक्स निकल रहे हैं जो हम लोग फर्दर आपके दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमको सन्टिंग करना पड़ता है, आपको यहाँ पहुँचाना पड़ता है ट्रेन को, इस कंडीशन में हम लोग इसका ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं कि आपको किस लोकेशन तक आपको सन्टिंग करनी है, कहाँ तक आपको लेके जाना है, कहाँ पर उसको रोक देना है ट्रेन को। तो इसमें रेड बैंड अगर हॉरिजॉन्टल हो तो मतलब आपको स्टॉप हो जाना है, अगर रेड बैंड इंक्लाइन हो तो मतलब आपको प्रोसीड करना है। तो इसमें भी आपका सेमाफोर सिग्नल की तरह ही लैंप लगे होते हैं और ग्लासेस लगे होते हैं। लैंप जो है आपका सेंटर में इस लोकेशन पे होता है मतलब साइड में, और यहाँ पे ग्लास अगर रेड है तो यहाँ पे रेड कलर इमिट करेगा, और जैसे आपको टिल्ट करते हैं इंक्लाइन करते हैं तो यहाँ पे कलर ग्लास जो है ग्रीन है, यहाँ पे ये ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा और ये ग्रीन लाइट इमिट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग सन्टिंग के ग्रीन या रेड सिग्नल दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग अगर कलर लाइट सिग्नल देना है वो कैसे देंगे। तो जो हमारा जो सेमाफोर सिग्नल था या वार्नर सिग्नल था वो पुराना हो चुके हैं, जो कि अब हम लोग लैंप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल कलर लाइट का, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, यूज फॉर ऑटोमेटिक सिग्नल दीजिए, ऑटोमेटिक सिग्नल होता है जो कि हमारे डायरेक्टली स्टेशन से ये ऑपरेट होता है। नो मूविंग आर्म इज प्रेजेंट, मतलब किसी तरह का मूविंग आर्म नहीं है, जो भी हम लोग देना है हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ही देंगे। गिव इंडिकेशन बाय इलेक्ट्रिक लाइट बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, तो इसका जो इंडिकेशन है आपका लाइट के थ्रू ही दिया जाएगा, किस तरह का कोई सिंबल हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन नहीं करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग के ये दो सिग्नल दो फेज भी हो सकते हैं रेड और ग्रीन, या फिर तीन फेज हो सकते हैं रेड येल्लो ग्रीन, या फिर फोर फेज हो सकते हैं जिसमें हो सकता है कि एक रेड हो दूसरा ग्रीन हो बाकी दो हो वो येल्लो, ठीक है। उसका पर्पस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर रेड होता है इसका मतलब है आपको स्टॉप हो जाना है, डेंजर एड है। नेक्स्ट येल्लो है तो मतलब पास द सिग्नल कॉशियसली एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट सिग्नल, ठीक है। अगर आपका येल्लो है तो हम लोग को मतलब आपको कॉशन के साथ सावधानी के साथ आगे मूव करना है। टू येलो लाइट्स डिस्प्ले टुगेदर, अगर दोनों आपका इस तरह से येलो लाइट शो होता है इसका मतलब है पास द सिग्नल एट फुल स्पीड बट बी प्रिपेयर टू पास द नेक्स्ट सिग्नल विच इज लाइकली टू बी येल्लो एट कॉशियस स्पीड। तो हम लोग को पहले से ये अवेयर करने के लिए कि आगे अब कुछ हो सकता है, इसलिए स्पीड से मूव करना है पर ध्यान देना है आगे की तरफ। नेक्स्ट है ग्रीन, ग्रीन कलर होगा तो आपको फुल स्पीड से पास करना है, आपको चिंता नहीं करना है कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल की भी मेनली वो ऑफ ही रहेगा, मतलब ग्रीन ही सिग्नल होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कि एज पर लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारा जो लोकेशन है वो क्या है सिग्नल का, उससे अकॉर्डिंग हम लोग सिग्नल का क्या पर्पस होता है। तो फर्स्ट आपका आउटर सिग्नल, दिस इज द वार्नर सिग्नल, तो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वार्नर सिग्नल क्या होता है। तो दे ट्रेन मूविंग एट हाई स्पीड रिक्वायर सर्टेन डिस्टेंस फॉर स्टॉपिंग, तो अगर ट्रेन है बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है उसको रोकने के लिए कुछ डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग अचानक से रेड सिग्नल नहीं दे सकते, तो इसलिए पहले वार्न करना पड़ता है। तो इसलिए हम वार्निंग करने के लिए वार्न सिग्नल देते हैं जो कि हम लोग के स्टेशन के आउटर में होता है। हिज ड्राइवर इन्फॉर्म्ड अबाउट द पोजिशन इन एडवांस दैट प्लेटफॉर्म इज क्लियर और नॉट, इसका पर्पस ये होता है कि जो ड्राइवर है उसको पहले से हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं स्टेशन से पहले कि आपका जो है जो स्टेशन है वो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसका हमारा पर्पस होता है आउटर सिग्नल का। दिस गिव्स द पोजिशन ऑफ अ स्टॉप अहेड सिग्नल अहेड, ये भी इन्फॉर्म करता है कि आपका जो अगला जो सिग्नल है वो स्टॉप होगा या क्या होगा। एज इट प्रोवाइडेड एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द स्टेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्टेंट आउटर और वार्नर सिग्नल, पर्पस वार्निंग है इसलिए वार्नर सिग्नल करते हैं, आउटर में होता है इसलिए आउटर सिग्नल बोलते हैं, और डिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है इसलिए डिस्टेंस सिग्नल भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल और स्टॉप पोजीशन इट इंडिकेट्स द आउटर ड्राइवर मस्ट ब्रिंग हिज ट्रेन टू हॉल्ट विद इन 90 मीटर बिफोर द आउटर सिग्नल देन प्रोसीड टू होम सिग्नल विद कॉशन। तो पर्पस ही होता है कि आपको कॉशन करना, तो आप स्पीड को लो करेंगे इस बार तब जाके मूव करेंगे। नेक्स्ट है इन द इंक्लाइंड और प्रोसीड पोजिशन इट इंडिकेट्स दैट ट्रैक एंड प्लेटफॉर्म इज क्लियर एंड प्रोसीड नॉर्मली विदाउट एनी डेंजर। तो अगर आपका ये इंक्लाइन पोजिशन में है तो आप कॉशन के साथ आप मतलब आप स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं कि आगे फर्दर हमारा लाइन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करते हैं एज पर लोकेशन होम सिग्नल पर। कि होम सिग्नल क्या होता है, तो हमारा जैसे पता है कि आउटर सिग्नल हमारा स्टेशन के आउटर में होता है, उसके बाद हम लोग चलते हैं होम सिग्नल के पास। इट इज नेक्स्ट सिग्नल आफ्टर द आउटर सिग्नल टुवर्ड्स द स्टेशन। इट इज सिंपल सेमाफोर सिग्नल इंडिकेट्स वेदर द प्लेटफॉर्म इज क्लियर और नॉट। तो हमारे पास सेमाफोर सिग्नल होता है जिसका मतलब होता है कि आगे जो स्टेशन है उसको क्लियर है या नहीं क्लियर है, लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपको रुकना है या मूव करना है। तो हम लोग को आउटर सिग्नल से वैसे भी हम लोग को इंडिकेशन मिल जाता है कि आपको ग्रीन सिग्नल आगे की आपका आपको कॉशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना पड़ता है। आफ्टर द आउटर सिग्नल टुवर्ड्स द स्टेशन इज ए स्टॉप सिग्नल एंड एग्जैक्टली प्लेस एट द स्टेशन लिमिट इज कॉल्ड होम और स्टॉप सिग्नल। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द स्टेशन। द परमिशन टू एंटर द प्लेटफॉर्म इज गिवन बाय द ऑपरेशन ऑफ द सिग्नल। इट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द स्पेसिफाइड एट 180 मीटर ड्यू टू द इट्स लोकेशन एट द डोर स्टेशन एंड इट इज कॉल्ड होम सिग्नल। तो हमारा जस्ट स्टेशन के पास ही होता है ये आपका होम सिग्नल, जो बताता है कि आपको अब मूव करना है, रुकना है, क्या करना है। ठीक है, अब चलते हैं स्टार्टर सिग्नल के पास। तो जैसे हम लोग होम सिग्नल से परमिशन मिल जाता है, हम लोग स्टेशन में एंटर कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाकर हम लोग ट्रेन को आप रोक सकते हैं। अब है कि अब वहाँ से आपको आगे की तरफ प्रोसीड करने के लिए हमें कुछ सिग्नल चाहिए कि हमें मूव करना है, नहीं मूव करना है, कब मूव करना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्टर सिग्नल का। दिस इज प्रोवाइडेड एट द फॉरवर्ड इन ऑफ प्लेटफॉर्म एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन एज दे लीव द स्टेशन। इट गिव्स परमिशन टू द ट्रेन टू लीव द प्लेटफॉर्म फॉर नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन में मूव करना है तो कब करना है उसका परमिशन यहाँ मिलता है। नो ट्रेन कैन लीव द प्लेटफॉर्म अनलेस द सिग्नल इज लोअर्ड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टार्टर सिग्नल। तो अगर आपका कि यहाँ पे लोअर किया दिया जाता है तो आपको ट्रेन को लीव नहीं नहीं कर सकते यहाँ से, जब तक आप यहाँ से आपको परमिशन नहीं मिलेगी तो आप तक तो आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं। ए सेपरेट सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट ईच लाइन। तो इसमें हर लाइन के लिए सेपरेट सिग्नल होता है स्टार्टर सिग्नल। तो स्टार्टर सिग्नल से आप यहाँ से निकल गए, आपको ग्रीन मिल गया है सिग्नल, तो यहाँ से मूव कर रहे हैं आप, यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो आप आगे जाकर आगे के जो सेक्शन है, ब्लॉक सेक्शन है, उसमें इंटर करना है या नहीं करना है उसका आपको इंडिकेशन मिलता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल से। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टर सिग्नल के बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आगे जो ब्लॉक सेक्शन है उसमें इंटर करना है या नहीं करना उसका परमिशन यहाँ पे एडवांस स्टेटस सिग्नल पे हम लोग को मिलता है। इट इज ऑलवेज प्लेस्ड बियॉन्ड द आउटर मोस्ट सेट आउट द ऑफ द पॉइंट ऑफ कनेक्शन। दिस सिग्नल आर प्लेस्ड अबाउट 180 मीटर बियॉन्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ स्विचेज। स्विच के 180 मीटर के बाद हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं एडवांस स्टेटस सिग्नल। अब चलते हैं रूटिंग सिग्नल पर। रूटिंग सिग्नल का मतलब है कि व्हेन मेनी ब्रांच लाइंस डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द मेन लाइन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इंडिविजुअल सिग्नल फॉर ईच लाइन एट डाइवर्जेंट पॉइंट। मतलब कि यहाँ से आपका तीन निकल गया, चार निकल गया लाइन, तो हर लाइन के लिए आपको सिग्नल प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि किस लाइन में आपको जाना है, किस लाइन में नहीं जाना है, तो इसका नियम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इस तरह का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इस तरह फोर एस्पेक्ट सिग्नल, या फिर इस तरह के दो दो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं दोनों लाइन के लिए, किस लाइन में आपको मूव करना है, किस लाइन में मूव नहीं करना है। इन सच सिचुएशन वेरियस सिग्नल फॉर मेन लाइन एंड ब्रांच लाइन आर फिक्स्ड on the same vertical post. These signals are called routing signal. Generally, signal for main line is kept higher than those of branch signal. तो आपके main line में आपके जो signal होगा वो higher level पे होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोग किस line में move करना है। तो वैसे तो train अपने आप move करता है, तो लेकिन हम लोग को वो fix करना पड़ता है आगे के signal देखें कि हम लोग किस line में move कर रहे हैं और उस line में move कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कितना speed maintain रखेंगे train का। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटिंग सिग्नल। रिपीटिंग सिग्नल का पर्पस ये होता है कि जब कोई आपके कर्व पे आप मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से अगर कोई सिग्नल यहाँ पे था तो आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, उस लोकेशन में क्या करेंगे, तो हम लोग उसका जो है उस सिग्नल को हम लोग सेम सिग्नल आगे की तरफ प्रोवाइड कर देते हैं। इसका पर्पस होता है रिपीट, जो सिग्नल ये प्रोवाइड करता है वही सिग्नल ये भी प्रोवाइड करता है, और ये रिपीटिंग सिग्नल होता है। उसमें बस आपका आर लिखा हुआ जो मतलब समझ में आ जाता है कि वो रिपीटिंग सिग्नल है, मतलब आगे जो सिग्नल जो दिखाई नहीं दे रहा था
उसका सिग्नल यहाँ से अभी पहले से मिल गया है, उस अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलिंग ऑन सिग्नल। दिस सिग्नल आर सिमिलर टू द सेमाफोर सिग्नल बट दे आर स्मॉलर इन साइज एंड आर फिक्स्ड एट द सेम पोस्ट बिलो द मेन सिग्नल। तो मेन सिग्नल के नीचे आप इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कॉलिंग ऑन सिग्नल है यहाँ पे, तो इसके ऊपर जो मेन सिग्नल है वो अलग है ही, उसके अलावा हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो पर्पस ये होता है कि आपका जो मेन ट्रैक है उसमें आप जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्नल के अकॉर्डिंग आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जो कनेक्शन है वो शायद हो सकता है कि यहाँ पे लूज हो, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा कि आपको पहले से इन्फॉर्म होना होता है। तो हमारा जो पहले से जो सिग्नल है जो कि ऑपरेट हो रहा है स्टेशन से, उस पर हम लोग बिना चेंज किए हुए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिसका पर्पस होता है कि वो इंडिकेट करे कि आगे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आप स्पीड स्लो कर लें, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो नेक्स्ट है पॉइंट इंडिकेटर। पॉइंट तो आपको मालूम है कि एक रेलवे ट्रैक से जैसे दूसरा रेलवे ट्रैक डाइवर्ज होता है, तो वहाँ पे जो जहाँ से डाइवर्ज होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट। किस लोकेशन पर पॉइंट है, पॉइंट आपका किस डायरेक्शन में जॉइंट है अभी, उसका इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है पॉइंट इंडिकेटर से। दीज आर यूज टू इंडिकेट वेदर पॉइंट हैव बीन सेट फॉर मेन लाइन और टर्न आउट। मेन लाइन में ही है कि टर्न आउट में आपका कनेक्शन है। इट इज एसेंशियल टू कॉन्सेप्ट ऑफ ए ओपन बॉक्स विद टू कलर सर्कुलर टू वाइट सर्कुलर डिस्क फॉर्मिंग टू अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स एंड ग्रीन बैंड ऑन द अदर टू रिमेनिंग साइड्स। एक तरह का बॉक्स जैसा होता है जिसमें दो तरफ व्हाइट होते हैं और दो तरफ ग्रीन ग्रीन होता है, ठीक है। द बॉक्स को रोटेट करते हैं हम लोग वर्टिकली, वर्टिकल एक्सिस का हम रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। द व्हाइट डिस्क इंडिकेट दैट द पॉइंट आर सेट टू द मेन लाइन, व्हेन द पॉइंट्स आर सेट अप फॉर द टर्न आउट साइड द ग्रीन बैंड आर विजिबल। तो व्हाइट बाल तब उत्तम दिखेगा जब हम लोग का मेन लाइन में होगा, अगर आपका ग्रीन दिख रहा है तो मतलब कि आपका ये ब्रांच लाइन में इंडिकेटेड किया हुआ है। सिमिलरली अगर रात में है तो रात में, अगर नाइट में है व्हाइट लाइट दिख रहा है इसका मतलब कि आपका मेन लाइन में सेटिंग है, और ग्रीन लाइट दिख रहा है मतलब कि टर्न आउट में सेटिंग है। इसके अलावा जो आपका मिसलेनियस साइन होता है सिग्नल होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको जनरली रोड में मिलेगा, आपको रोड में कि अगर जो आपका इंटरसेक्शन है कि रोड रोड है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक रेलवे का लाइन है, तो रेलवे लाइन से जैसे आप क्रॉस कर रहे हैं तो आगे की तरफ आपका अनगार्डेड रेल है, मतलब कि किसी तरह का क्रॉसिंग नहीं बना हुआ है, कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग का इस तरह सिंबल होता है, कोई इस तरह का हम्प है आगे आपके आगे की तरफ तो इस तरह का साइन होगा। कोई मैंड लेवल क्रॉसिंग है जहाँ पे कोई गार्ड है जो कि वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ें, तो हम लोग उसको मैंड लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। स्टॉप करने के लिए आपको ये साइन दिया जाता है, रोड के लिए भी स्टॉप साइन के लिए ये है, जो कि रेलवे के लिए ये है। ये है स्पीड लिमिट इंडिकेटर है ट्रेन के लिए। उसके अलावा आपने देखा हो कि होता है एक सिग्नल डब्ल्यू ए या सीफा लिखा हुआ। डब्ल्यू मतलब होता है विसल, सी मतलब होता है सीटी, एल मतलब होता है लेवल क्रॉसिंग, एफ मतलब फा मतलब होता है फाटक। तो आपका कि अगर किसी लेवल क्रॉसिंग में फाटक है आगे की तरफ तो आपको विसिल देना है ताकि वहाँ आपके जो व्हीकल्स है वो अवेयर हो जाएं कि वहाँ पर ट्रेन आ रही है। तो इसके लिए हम ये सिग्नल देते हैं कि आपको आगे लेवल क्रॉसिंग है, आप विसिल बजा दीजिए, ये आपके ट्रेन के ड्राइवर को या फिर लोको पायलट को ये इंडिकेशन दिया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है टी पी या टी जी, मतलब कि अगर किसी ट्रैक पर आपको स्पीड लिमिट दिया गया है 75, तो अगर 75 करने के बाद आप कहाँ तक 75 से जाएंगे उसके बाद आप वो अपने स्पीड वापस जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं ये सिग्नल देते हैं, मतलब कि टर्मिनेशन इंडिकेटर है ये, ठीक है। मतलब पी फॉर पैसेंजर ट्रेन, जी फॉर गुड्स ट्रेन, कि अब इस पॉइंट के बाद आप अपने स्पीड से मूव कर सकते हैं, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गुड्स ट्रेन के लिए आपका यहाँ तक टर्मिनेशन पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका अगर हायर लेवल पर जा रहे हैं तो इस तरह का सिंबल रहता है, अगर कोई काम वर्क हो रहा है रिपेयर वर्क तो उसके लिए कॉशन इंडिकेटर ऐसा होता है, अगर आप गुड्स ट्रेन में जा रहे हैं तो गुड्स ट्रेन के लिए वार्निंग साइन इस तरह का होता है, और पैसेंजर ट्रेन के लिए आपका साइन बोर्ड इस तरह होता है वार्निंग के लिए। नेक्स्ट है सेंटिंग लिमिट, मतलब कि इस लिमिट तक ही आप सेंटिंग कर सकते हैं, इसके आगे जाएंगे तो आपका ट्रेन ट्रैक खत्म हो जाएगा, इसका सिंबल होता है सेंटिंग लिमिट का। रेलवे स्टेशन का सिग्नल ये होता है सिंबल, इसमें इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि आपको कोई अनमैन फाटक है या फाटक है तो उसके लिए हम लोग इस तरह का सिंबल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सिग्नल के बाद हम लोग ट्रेन को कंट्रोल कैसे करते हैं सिग्नल के थ्रू, तो कैसा सिस्टम कैसा होता है, उसके बाद जो सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो कनेक्शन होता है, जो फिर इंटरलॉकिंग होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक